क्या आप 3 रुपए के लिए किसी से लड़ाई करेंगे या फिर कंज्यूमर कोर्ट तक चले जाएंगे? ज्यादातर लोग नहीं जाते, पर चंडीगढ़ के दिनेश प्रसाद रतूरी ऐसे लोगों में से नहीं है। उन्होंने 3 रुपए के लिए कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन फाइल करी और बदले में उनको मिले 4,003 रुपए। तो कुछ ही दिन पुरानी न्यूज में हमें ऐसा पता चला है कि दिनेश प्रसाद रतूरी एक बाटा के शोरूम से चंडीगढ़ में शूज की शॉपिंग कर रहे थे। शूज उन्होंने खरीद लिए, तो जब शूज का बिल बना तो उस बिल में 3 रुपए एडिशनल एक पेपर बैग के जोड़े गए। उस पेपर बैग पे बाटा का लोगो भी बना हुआ था। दिनेश प्रसाद ने सिंपल सा एक सवाल पूछा शोरूम वालों से कि मैं इस बैग के 3 रुपए क्यों पे कर रहा हूँ, बाकी किसी शोरूम ने मुझसे आज तक कभी पेपर बैग के या कैरी बैग के पैसे चार्ज नहीं किए, तो आप क्यों कर रहे हैं, स्पेशली एक ऐसा बैग जिसके ऊपर बाटा की ही ब्रांडिंग है। आप कंज्यूमर्स के पैसे से ही अपनी ब्रांडिंग क्यों कर रहे हैं? तो जब शोरूम ने वो 3 रुपए रिफंड करने से मना कर दिया, तो दिनेश प्रसाद ने वो मैटर वहीं ख़त्म नहीं होने दिया। उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन फाइल करी। तो कंप्लेन के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने बाटा को एक ऑर्डर दिया जिसमें उन्हें ये डायरेक्ट किया गया कि वो 3 रुपए तो उनको रिफंड करे ही करे, साथ ही साथ लिटिगेशन चार्जेस में 1,000 रुपए भी उनको दिए जाएं और 3,000 रुपए का जुर्माना जो कि बाटा को देना पड़ेगा दिनेश प्रसाद को एज अ कंपनसेशन फॉर मेंटल एगनी कॉज टू द कस्टमर ड्यू टू द डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, यानी उनकी सर्विसेज की कमी के कारण कस्टमर को ये पेन उठाना पड़ा, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन लिखवानी पड़ी, इन सबके लिए भी 3,000 रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा। तो दिनेश प्रसाद को 3 रुपए के बदले 4,003 रुपए मिले। बात यहीं खत्म नहीं होती है। कंज्यूमर कोर्ट ने बाटा को यह भी ऑर्डर दिया कि वो 5,000 रुपए लीगल एड ऑफ स्टेट कंज्यूमर्स डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में डिपॉजिट करें। इस केस से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके आसपास ऐसी काफ़ी सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, पर हम आम लोग ऐसी प्रैक्टिसेस को ओवरलुक कर देते हैं। हम सोचते हैं कि कौन पड़ेगा इन झमेलों में और हम जाने देते हैं, पर आपको पता होनी चाहिए कि 3 रुपए की कीमत 4,003 रुपए भी हो सकती है और आपको ऐसे मैटर्स को सीरियसली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है वो करोड़ों कस्टमर्स के साथ भी हो रहा है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, अगर बाटा के शोरूम से 1 करोड़ लोगों ने वो आइटम खरीदा हो और 1 करोड़ लोगों ने 3-3 रुपए का पेपर बैग भी खरीदा हो, तो 3 करोड़ रुपए तो बाटा का रेवेन्यू सिर्फ पेपर बैग बेचकर ही आ रहा है, जो कि एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है। ऐसा ही एक और केस जो आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा पर शायद आपने जाने दी वो बात, वो केस है सर्विस चार्ज का। अगर आप नहीं जानते हैं तो सर्विस चार्ज कोई भी टैक्स नहीं होता है, सर्विस चार्ज एक तरह की टिप होती है जो कि रेस्टोरेंट आपसे चार्ज करता है। वो टिप आप तब दे सकते हैं जब आप सचमुच अपने मन से टिप देना चाहते हैं और आप उनकी सर्विस से भी खुश हैं। अगर आप सर्विस से ना खुश हैं तो आप रेस्टोरेंट को बोल सकते हैं कि बिल में से ये सर्विस चार्ज एक्सक्लूड करके उन्हें एक नया बिल बना के दें। तो जयजीत सिंह एक IPS ऑफिसर मुंबई के रहने वाले 2017 में अपनी वाइफ के साथ गए थे रेस्टोरेंट पर डिनर करने। 1,810 रुपये का उनका बिल आया और उसमें 10% सर्विस चार्ज एडिड था, यानी 181 रुपये का सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट ने उनसे चार्ज किया। जब जयजीत सिंह ने उन्हें बोला कि मैं आपकी सर्विस से खुश नहीं हूं और मैं ये सर्विस चार्ज नहीं देना चाहता हूं, तो रेस्टोरेंट ने उन्हें एक नया बिल बनाकर देने से मना कर दिया। एज अ रिजल्ट उन्हें वो पूरे पैसे तो देने ही पड़े, पर जयजीत सिंह ने वो बात जाने नहीं दी। उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में एक कंप्लेन फाइल करी। एज अ रिजल्ट कंज्यूमर कोर्ट ने रेस्टोरेंट की सफाई मांगी थी जो कि रेस्टोरेंट देने से फेल हो गया। अब जब रेस्टोरेंट ने कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच ही नहीं किया तो कंज्यूमर कोर्ट ने रेस्टोरेंट पर पेनल्टी लगाई, ऑर्डर दिया कि जयजीत सिंह को 5,000 रुपये एज कंपनसेशन फॉर मेंटल एगनी कॉज टू हिम एंड 5,000 रुपीज लिटिगेशन चार्जेस भी दिए जाएं, यानी पूरे 10,000 रुपये का कंपनसेशन जयजीत सिंह को मिला जिन्होंने 181 रुपये अपनी मर्जी के खिलाफ एक रेस्टोरेंट को पे किए। ये केस क्लोज हो जाने के बाद जयजीत सिंह ने यह भी कहा कि मैं ये पूरा 10,000 रुपये चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में डोनेट कर दूंगा, क्योंकि मेरा पर्पज 10,000 रुपये हड़पने का नहीं था किसी भी रेस्टोरेंट से, मेरा पर्पज था अवेयरनेस स्प्रेड करना ताकि मुझे देखकर काफी सारे कंज्यूमर्स कंज्यूमर कोर्ट में थोड़ा फेथ दिखाएं और अगर अपनी मर्जी के खिलाफ सर्विस चार्ज पे करते हैं तो उन्हें जरूर एक्शन लेना चाहिए। एक और केस मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है सिनेमा हॉल से रिलेटेड। कई बार आपने भी फेस किया होगा कि सिनेमा हॉल्स आपको आउटसाइड फूड नहीं ले जाने देते अंदर, और आउटसाइड फूड के साथ साथ वो आपको आउटसाइड वाटर बॉटल्स भी अंदर ले जाने से कई बार मना कर देते हैं। ऐसा ही एक केस है हैदराबाद के रहने वाले विजय गोपाल का। 2016 में विजय गोपाल मूवी देखने जा रहे थे एक आइनॉक्स थिएटर में, जब वहाँ की सिक्योरिटी ने उन्हें कहा कि जो आप वाटर बॉटल अपने साथ लेकर आए हैं वो आपको बाहर ही छोड़नी पड़ेगी अगर आप अंदर जाना चाहते हैं, तो जब उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा हमारी कंपनी पॉलिसी है हम नहीं ले जाने देते, तो नहीं ले जाने देते।
तो विजय कुमार अंदर तो चले गए, बॉटल उन्होंने बाहर छोड़ दी। मूवी के इंटरवल में जब वो बाहर आए तो उन्होंने मैनेजमेंट स्टाफ से फिर से एक बार वो डॉक्यूमेंट मांगने की कोशिश करी जिसमें ये साफ साफ लिखा है जो उनकी कंपनी पॉलिसी है कि हम आउटसाइड वाटर बॉटल्स अंदर अलाउ नहीं करेंगे। उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और वही सेम बॉटल सिनेमा हॉल के अंदर बिक रही थी 50 रुपए पर, जो कि MRP से ज्यादा है। तो विजय गोपाल ने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर दी। कंज्यूमर कोर्ट ने जब INOX से सफाई मांगनी चाहिए तो INOX ने लिखा कि हम आउटसाइड फूड या आउटसाइड वाटर बॉटल्स इसलिए अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि इससे सिनेमा हॉल की सिक्योरिटी को खतरा है। उन्होंने ऐसा कहा कि पानी के अंदर सोडियम या पोटेशियम जैसे कुछ मिनरल्स मिक्स करने से एक फायर स्मोक क्रिएट किया जा सकता है और अगर वहाँ फायर स्मोक क्रिएट कर दिया जाए तो वहाँ भगदड़ मच सकती है, लोगों की सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। एज अ रिजल्ट एक इंसान को मूवी थिएटर में जो कुछ भी खाना पीना है हम एनकरेज करते हैं कि वो मूवी थिएटर के अंदर से ही खरीदे, पर अंदर से खरीदने पे सेम वाटर बॉटल MRP रेट से भी हाई में बेची जा रही है। तो कंज्यूमर कोर्ट ने दो डिसीजन दिए। पहला डिसीजन ये कि सारे ही मूवी थिएटर्स फ्री वाटर सर्विस प्रोवाइड करेंगे उनके सारे ही व्यूअर्स को, वो पानी की बॉटल को पैसे में खरीदने पर फोर्स नहीं कर सकते किसी भी इंसान को। दूसरा डिसीजन ये कि वो वाटर बॉटल्स को MRP से ऊपर के प्राइस पर नहीं बेच सकते क्योंकि इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है। और विजय गोपाल जिन्होंने कंप्लेन फाइल की थी उनको 5,000 एज अ कॉम्पनसेशन फॉर मेंटल एगनी एंड 1,000 फॉर लिटिगेशन चार्जेस भी दिए गए, यानी उनको 6,000 रुपए मिले। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था जिसमें ये कहा गया था होटल्स और रेस्टोरेंट बॉटल्ड वाटर और अदर प्री पैक्ड मटेरियल्स MRP से ज़्यादा प्राइस पर भी बेच सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो आपको सर्विस भी दे रहे हैं। और क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ पानी खरीदने किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाता है, सो देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ सर्विस इन्वॉल्व्ड, तो वो एक कंपोजिट ट्रांजैक्शन माना जाता है। वहां पर सिर्फ गुड्स नहीं बिक रहे, सर्विस भी बिकती है, तो MRP से ज्यादा बेचना लीगल है। ये सारे ही केसेस बता के मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी एक ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एक्सपीरियंस करते हैं जो बहुत मामूली सी लगती है, हो सकता है आप जाने देंगे उस बात को, पर आपको नहीं जाने देना चाहिए, आपको कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन फाइल करते कैसे हैं, दोनों ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से, तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम फाइल करेंगे। साथ ही साथ हमें कमेंट्स में ये भी बताइए कि आपने आज तक कंज्यूमर कोर्ट में कोई कंप्लेंट फाइल की है, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या फिर आपके किसी जानने वाले ने की हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए।